पहले हम गैस ऑन करेंगे और फ्राइंग पैन रखेंगे गरम होने के लिए। अब फ्राइंग पैन गरम हो चुका है, अब हम एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल गरम हो चुका है, अब हम दो स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे, सौते करेंगे। अब इसी के साथ हम 9-10 काजू के पीसेस डालेंगे, इसे हम 2 मिनट तक सौते करेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 2 टोमेटो रफली कटे हुए ऐड करेंगे, इसे भी फ्राई करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ध्यान रहे मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब हम गैस बंद करेंगे, इसे प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो देखिए ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए ब्लेंड हो चुका है, देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और फ्राइंग पैन रखेंगे गरम होने के लिए। अब फ्राइंग पैन गरम हो चुका है, अब हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल गरम हो चुका है, अब हमें एक प्याज है उसे हमने क्यूब में काट लिया है और उसके लेयर सेपरेट निकाला है, इसे हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से सौते करेंगे। हमें इसे क्रंची रखना है, ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज क्यूब में कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसे सौते करेंगे। सौते हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसी पैन में 400 ग्राम मशरूम है, इसे हम ऐड करेंगे और इसे सौते करेंगे, इसे हल्का सौते करेंगे। ध्यान रहे हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब हम इसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए। अब कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल गरम हो चुका है, अब हमें 1 तेजपत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 3 लौंग डालेंगे, 7-8 काली मिर्च डालेंगे, 4 इलायची डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। ध्यान रहे गैस लो फ्लेम पर है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस ग्राइंडिंग जार में हमने मसाला पेस्ट बनाया था उसी में पानी डाल के हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। अब 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 100 ml गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। चलिए 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये प्याज और शिमला मिर्च जो हमने स्टर फ्राई किया था वो ऐड करेंगे, ये मशरूम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो चलिए 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे। तो देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे।